वो जो जिस इलम की मैं बात करता हूँ, दीदार के बाद वो इलम चलता है ना। ये इलम दीदार का कहना, दीदार के बाद और इलम हो जाए ना। फिर लाता उस इलम का ये है कि उसकी जबान और रब की जबान एक हो जाती है। दीदार से पहले रब की जबान एक नहीं होती, उसके बाद रब की और उसकी उस वक्त उसको कहता है मैं इसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके हक बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। उस वक्त जब शाह शमस सब्ज़ बुखारी राजा के बच्चे को कहा उठ, अल्लाह के हुक्म से मर गया था, वो नहीं उठा। दूसरी दफा कहा उठ, अल्लाह के हुक्म से नहीं उठा। तीसरी दफा आवाज आई, मेरा तेरा हुक्म ही क्या, अपने हुक्म से क्यों नहीं उठाता। उस पहुंच गया उठ मेरे हुक्म से, बच्चा उठ खड़ा हो गया। इसी बात के ऊपर उनके फतवा लगाया था, जिसने अपने हुक्म से उठाया अल्लाह के हुक्म से नहीं उठा, और चमड़ी उनकी उतार ली। जब चमड़ी उतार ली फिर वाक्य सुना होगा, जिससे मैं मेरे पर वो हो गई, जो बड़े नजदीक इनके लोग थे ना वो भी इनसे नफरत करने लगे। ये नहीं देखा कि बच्चे को जिंदा कर लिया किसी इकरामत में, ये देखा अगर ये वली होते तो इनको पीड़ित में पड़ जाते। इस बात के ऊपर लोग जिस होटल में जाते थे वो उनको खाना वाना खिलाया करता था, उसने देखा दूर से आ रहे हैं मक्खियां बैठी हुई हैं, दूर से शीशा गोश्त करते हैं कि नजदीक ना आए। फिर एक वो थी दाने भूनने वाली, वो बड़ी की मौत करता थी, बड़ी मोहब्बत थी, तो उसके पास गए भून के देखा, तो उसने की जा बाबा जा, उसने फिर उनको गुस्सा आया, वो तू भी समझ तो मैं भी समझ भून के देख। फिर वो क्या हुआ, कहते हैं सूरज नीचे आ गई, सबको पता लगा, सारे दौड़े, इतने लाखों इंसान सारे दौड़े माफिया मांगे, उन्होंने कहा नहीं अब वो भी वापस आएगा। अब जब वो दिन आता है जिस दिन वो आता है ना, उस दिन वो काम में कोई आदमी जरूर था 10-20-50 हर साल। जब से वो मैदी आया ना, तेरा शाही मेरा शाही, उसकी पैदाइश की बात मैदी है कहीं है, हो जाएगा अल्लाह।